फ्रेंड्स, आज मैंने ढाबे स्टाइल शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्जी को मैंने बनाया हुआ है, पर खाने में ये सब्जी का जवाब नहीं। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब ढाबे स्टाइल में शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। ढाबे स्टाइल में शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाने के लिए गैस पर मैंने ये लोखंड की कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई के अंदर ऐड किया हुआ है। तेल को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम करके ही रखना है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 1/2 किलो के करीब शिमला मिर्च लिया। शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से धो के पोंछ के इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च को मैंने कितने बड़े पीसेस में कट किया हुआ है। आप चाहे तो इसे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, पर ढाबे स्टाइल में हमें ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनानी है तो हमें शिमला मिर्च को इस तरीके से बड़े पीसेस में ही कट करना है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तेल के अंदर हम डायरेक्टली ही ये शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। गैस का फ्लेम अब हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए सौते करना है। शिमला मिर्च को हमें पूरा गलाना नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। मतलब कि हमारा शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए। अब हमारा ये शिमला मिर्च जो है सौते हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, इसी तेल के अंदर मैं 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करूँगी। गैस का फ्लेम मैंने इस समय स्लो कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा तेल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म था, क्योंकि हमने हाई फ्लेम पे शिमला मिर्च को सौटे किया था। अब इसके अंदर मैं 2 तेज़पत्ता डालूँगी। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 2 लाल मिर्च को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है, इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था, प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से प्याज को कट करें और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तेल के अंदर हमारा ऑनियन अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऑनियन को तेल में मिक्स करने के बाद हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक मैंने ऑनियन को इसी तरीके से भूना हुआ है। अब गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें मसाले पाउडर ऐड करने हैं। तो मसाला पाउडर जब भी आप ऐड करें सब्जी में तो गैस का फ्लेम स्लो कर दें। 1/2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। तीखा आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड करें। मैं थोड़ा सा ये सब्जी को स्पाइसी बना रही हूँ। और 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर और गरम मसाला भी मैं इसी समय कढ़ाई में ऐड कर दूंगी 1 चम्मच के करीब। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक को बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, पर उसे आप ऑनियन के साथ ही फ्राई कर लें पहले। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे कि लहसुन का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल जाए। और ये सब्जी बनाने के लिए आप ऑनियन को इसी तरीके से कट करें तो ये ऑनियन का जो मीठापन है ना वो ये सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। मैंने ये 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो कच्चे आलू को भी काट के ऐड कर सकते हैं, पर आलू के जो पीसेस है उसे आप थोड़ा सा छोटा कर दें। अब इसे भी मैं ऐड कर दूंगी और इसके अंदर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी।
अगर आपको नमक का अंदाज़ा नहीं मिलता है तो आप सबसे लास्ट में नमक ऐड करें। अगर आप इस तरीके से पहले ही नमक ऐड कर देंगे तो आलू के अंदर भी नमक का टेस्ट आएगा, नहीं तो आलू के अंदर नमक का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे कि हमारा जो ये उबला हुआ आलू है वो भी मसालों के साथ अच्छे से भून जाए। अब आलू को भी मैंने सारे मसालों के साथ अच्छे से भून लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी, तो मैंने 3 टमाटर को इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो टमाटर को पीस के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें पूरी तरीके से गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इस सब्जी के अंदर जो है टमाटर का पेस्ट जो है खट्टा पर टमाटर का वो आ जाए, बस उतना ही हम इसे भूनेंगे और ये सब्जी को हम बिना लीड लगाए हुए बनाएंगे। अब हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, पर उसके पीसेस जो है वैसे के वैसे ही हैं। अब इसके अंदर मैं 3 हरी मिर्च को इस तरीके से बीच में से कट करके ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ हमने जो शिमला मिर्च को फ्राई किया था, सॉटे किया था, वो ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने अदरक के टुकड़ों को इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी और मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार हमारा ये शिमला मिर्च आलू की सब्जी जो है लग रही है और खाने में इतना ही चटपटा और टेस्टी है। अब इसे हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरीके से रख देंगे। अब पूरे 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि सब्जी में से धुआं निकल रहा है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसलिए रखा हुआ था कि जो सब्जियों को हम जितना हाई फ्लेम पे भूनेंगे उतना ही हमारे सब्जियों के अंदर सोनेपन जैसी खुशबू आएगी। अब हमारी ये शिमला मिर्च आलू की स्वादिष्ट सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम एकदम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ढाबे स्टाइल में शिमला मिर्च आलू की सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।